मिसाल इसकी ये है कि अगर आप फोटो कापी सादा और फोटो कापी कलर बेच रहे हैं तो ये आपकी सर्विस है और ये दोनों एज फार एज क्विक बुक्स इज़ कंसर्न विल बी कंसिडर्ड टू डिफरेंट आइटम्स जो भी सर्विस या गुड्स आप सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को देल बी ट्रीटेड एज आइटम्स इसके अलावा भी क्विक बुक्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंट्री टाइप आइटम्स क्या होते हैं मिसाल ये है कि अगर आपकी कंपनी टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ें बेच रही है तो ये वो गुड्स हैं जो आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करेंगे और अपने कस्टमर को सेल करेंगे इसी तरह अगर आपकी कंपनी गाड़ी रिपेयर करती है गाड़ी को टो करके लेके आती है गाड़ी रिकवरी सर्विस है और इसके अलावा आपके पास ऑयल चेंज है, तो ये सारी सर्विसेज़ हैं जो आप अपने किसी भी कस्टमर को ऑफर करते हैं और ये सारी सर्विसेज़ एज़ फार एज़ क्विक बुक्स इज़ कंसर्न वुड बी कंसिडर्ड एज़ आइटम्स एक और मिसाल लें आजकल आप किसी भी दुकान पे बेकरी में या स्टोर में जाते हैं तो आपके पास चेकआउट काउंटर पे एक रिटर्न रसीद निकलती है जिसमें तमाम आइटम्स उनकी क्वांटिटी और उनका रेट और अमाउंट लिस्टेड होती है और ये रसीद कैसे बनी होती है यकीनन ये रसीद इस तरह से बनी होती है कि उस कंप्यूटर में वो तो तमाम अशिया जो आपने वहाँ से ख़रीदी है परचेस की हैं उस तमाम की लिस्ट और रेट मौजूद है। और अगर ये लिस्ट और रेट मौजूद हैं तो आपकी रसीद बन जाती है और वो जो तमाम आइटम्स आपने ख़रीदे हैं अगर सुबह आपने नाश्ते के लिए दूध डबल रोटी अंडे खरीदे हैं तो ये तमाम आइटम्स आपकी उस रसीद पे लिस्टेड होते हैं और किस तरह से लिस्टेड होंगे यकीनन उस दुकानदार ने शॉपकीपर ने उस बेकरी वाले ने ये तमाम आइटम्स कंप्यूटर को फीड किए होंगे रजिस्टर किए होंगे उनकी तादाद लिखी होगी और उनका रेट दिया होगा जिस पे कि वो आपको ये चीज़ें बेच रहा है सेल कर रहा है और जब भी वो इन आइटम को चूज़ करेगा ऑटोमेटिकली उसका रेट आ जाएगा और जब भी आप उसके ऊपर क्वांटिटी डालेंगे तो रेट मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी एक अमाउंट आ जाएगी जो आपने पे करनी है और एंड में इन तमाम आइटम्स का एक टोटल आ जाएगा जो आपने उस सप्लायर को उस दुकानदार को पे करना है इसी तरह जिस जब आप कभी कोई सर्विस लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपकी तमाम सर्विसेज के नाम होते हैं और उनका एक रेट होता है और आपकी रसीद पे वो तमाम सर्विसेज तादाद और रेट के साथ अमाउंट निकाल के लिस्टेड होती है और नीचे टोटल होता है जहाँ भी आपको इस सर्विसेज के या गुड्स के ऊपर टैक्स देना होता है तो एंड में एक लाइन टैक्स की आई भी होती है और उसके बाद एक ग्रैंड टोटल आता है जिसमें तमाम अमाउंट्स प्लस आपका टैक्स शामिल होता है ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एक स्टैंडर्ड तरीक़ा है जिस पे काम किया जाता है ये तमाम सहूलतें हमारे पास क्विक बुक्स में मौजूद हैं इसमें बड़े सारे टाइप्स ऑफ आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं और उसको हम मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल करते हैं सबसे पहला आइटम हमारा कहलाता है इन्वेंट्री पार्ट इन्वेंट्री वो चीज़ है जो आप किसी सप्लायर या वेंडर से ख़रीदते हैं अपने पास रखते हैं और फिर अपने कस्टमर को बेचते हैं मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी है अगर आप बेकरी में हैं तो दूध अंडे डबल रोटी ये आपकी इन्वेंट्री का आइटम है और ये आपने यकीन कहीं से परचेज़ करके अपने पास लाए हैं और आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं जब भी आप ये तमाम आइटम ख़रीदेंगे आपको उनका एक आइटम रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसकी सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी ताकि जब भी आप ये चीज़ सेल करें तो हमारे पास रसीद सही निकल सके याद रखें कि इन्वेंट्री हमारा एसेट है और ये एसेट हम जब चाहें इन कैश करा सकते हैं और जब भी एसेट सेल करेंगे एक हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा एसेट्स अगर हमारी कंपनी एक बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करती है तो हमारे पास जितने भी टीवी रेफ्रिजरेटर फ्रिज माइक्रोवेव ओवन टेलीफ़ोन ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री के तौर पे हमारे दुकान पे ये गोदाम में पड़ी होती हैं इन तमाम की हमें बाइंग प्राइस भी पता होती है कि हमने इन्हें किस कीमत पे ख़रीदा है और हमें इनकी सेलिंग प्राइस भी पता होती है कि हम इनको अपने कस्टमर्स को किस रेट पे बेचेंगे याद रहे कि ये जो बीज का प्रॉफिट आप ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि बहुत से मैनुफेक्चरर ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकते वो इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता ना उनके पास इतने बड़े गोदाम होते हैं और ना ही उनके पास बड़ी शॉप्स या ये फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ इनको डिस्प्ले करके लोगों को चेक कराया जा सके वो मैनुफेक्चरर्स होते हैं और कॉन्सनट्रेट करते हैं अपने मैनुफैक्चरिंग बिजनेस पर आप क्योंकि सेलर हैं इसलिए आप कॉन्सनट्रेट करते हैं उस चीज़ के ऊपर जो आपके पास मौजूद है इस इन्वेंट्री को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन जो भी हमारी इन्वेंट्री मौजूद है उसका हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि हमने ये कितनी इन्वेंट्री खरीदी कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम की कितनी इन्वेंट्री बेच दी है इस तमाम चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इन्वेंट्री इज़ ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ योर एसेट्स इसके अलावा जो हम अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे वो है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज याद रहे बहुत सारे लोग कोई गुड नहीं बेच रहे होते यानी टीवी, रेडियो इस तरह की कोई चीज़ नहीं बेच रहे बल्कि वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर लॉयर और इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपनी सर्विस के पैसे क्लेम करते हैं इसी तरह से कंसल्टेंट्स आर्किटेक्ट बिल्डर्स ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी खदमात देते हैं और उसके अवस मुआवजा लेते हैं ये तमाम खदम ये तमाम सर्विसेज भी एज फार एज क्विक बुक्स कंसर्न आर ट्रीटेड एज आइटम्स इनके ऊपर भी हमने एक कीमत लगानी है इनको रजिस्टर करना है ताकि हम कस्टमर को ऑफ़र कर सकें वी कैन ओनली ऑफर दो सर्विसेज और गुड्स टू आर कस्टमर्स विच आर बेसिकली रजिस्टर्ड विद अस और दे हैव अ प्राइस कनेक्टेड टू देम इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम गुड्स या सर्विस अपने कस्टमर्स को देंगे उन तमाम के ऊपर हमने उनको बाइंग के यानी किस किस अमाउंट पे हमने उनको ख़रीदा है अपने लिए और किस अमाउंट पे हम सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए वो दोनों लिस्टेड होंगे और दोनों रजिस्टर्ड होंगे इसके अलावा इसके अंदर एक और आइटम भी होता है जो कहलाता है नॉन इन्वेंट्री आइटम हर ऑफिस में बहुत सारी ऐसी अशिया इस्तेमाल होती हैं जो ऑफिस के स्टाफ के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं मिसाल के तौर पे स्टेशनरी पेन पेंसिल कागज़ टिशू ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि नॉन इन्वेंट्री आइटम हैं ये ख़रीदी ज़रूर जाती हैं लेकिन इनको कहीं स्टोर करके नहीं रखा जाता और इस नीयत से तो बिल्कुल नहीं रखा जाता कि ये हम किसी को बेचेंगे ये तमाम अशिया हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए होती हैं ये कहलाती हैं नॉन इन्वेंट्री पार्ट एज फार एज़ क्विक बुक्स इज कंसर्न इसमें वो तमाम अशिया आ सकती हैं जो कि आप कंज्यूम कर लें विद इन योर ऑफिस और वर्क इसके अलावा एक और आइटम जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने क्विक बुक्स में वो है अदर चार्जेस चार्जेस ये हो सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके तो हम पैसे अदा कर देते हैं दुकानदार को लेकिन उसको अगर वो छोटी चीज़ है तो आप उठा के अपने साथ ले जाएंगे लेकिन बड़ी अगर चीज़ है तो हमको उस चीज़ को दुकान से ले जाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ेगा मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बड़ा टीवी और फ्रिज ले लिया है या कुकिंग रेंज ले ली है तो आप पैसे अदा करेंगे कुकिंग रेंज के टीवी के और फ्रिज के लेकिन ये तमाम चीज़ें आप अपनी गाड़ी में रख के नहीं ले जाएंगे इसके लिए आपको दरकार होगा लोगों की मदद कि वो सारी चीज़ें उठा के एक वैन में रखें और वो वैन आपके घर तक जाए इनके चार्जेस शामिल नहीं हैं जो आपने पैसे अदा कर दिए हैं इन अशिया के लिए ये जो अदर चार्जेस हैं ये वो चार्जेस हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हॉलेज और लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है लेकिन ये भी आपने अदा करने हैं ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द परचेज दैट यू हैव मेड ये तमाम शिपिंग के चार्जेस वगैरह इसको भी एज एन आइटम ट्रीट किया जाता है विद इन क्विक बुक्स रीजन ये वो चार्जेस हैं जो दुकानदार अपने लिए नहीं ले रहा बल्कि वो सहूलत जो आपको फ्राहम कर रहा है और वो सहूलत कार जो ये आपको सर्विस दे रहा है ये उसके लिए ले रहा है जिसमें लोडर और अनलोडर भी शामिल हैं मजदूर और वो गाड़ी वाला भी शामिल है जो ये सारी अशिया आपके घर लेके जा रहा है इसी तरह जब आप एयर कंडीशनर लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ये चार्जेस वंस अगेन उस इन्वेंट्री आइटम के नहीं है ये एडिशनल चार्जेस हैं जो कि आपको देना होते हैं और इसको हम अदर चार्जेस में एज एन आइटम ट्रीट करते हैं विद इन क्विक बुक्स इसके अलावा आप देखते होंगे कि जब भी हमारे पास एक लंबी सी रसीद आती है तो उसमें कभी कभार सब टोटल भी होता है और सब टोटल के बाद बज दफा सेल टैक्स लगा होता है सब टोटल भी विद इन क्विक बुक्स इज ट्रीटेड एज एन आइटम हम जहाँ भी सब टोटल लगाएंगे सब टोटल ये करेगा कि अब उसके ऊपर दी गई तमाम अशिया को जमा कर देगा और विद इन क्विक बुक्स दिस विल बी ट्रीटेड एज एन आइटम विच कैन बी यूज एनी वेयर विद इन इन्वॉइस और अ बिल सब टोटल इज यूजली द सेकेंड लास्ट आइटम ऑन योर रिसीट आफ्टर डैट कम्स द टैक्स एंड द फाइनल टोटल सब टोटल के अलावा भी क्विक बुक्स में और मज़ीद आइटम्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में